रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मानसून भारत के इन इलाकों में सबसे पहले देता है दस्तक। भारत में मानसून की अवधि 4 महीने यानी जून से सितंबर तक मानी जाती है। इस साल की बात की जाए तो भारत में मानसून सामान्य रहने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा कि मानसून हर बार की तरह इस बार भी इंतजार करवा सकता है। बता दें, कई इलाकों में मानसून के कारण भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा है। गर्मी में लोगों का बाहर निकली ही मुश्किल हो गया है। देखा जाए तो राजस्थान में अभी भी बाहरी गर्मी दे दस्तक दी है। राजस्थान ही ऐसी कई इलाके हैं तो इस भीषण गर्मी की चपेट में आए हैं। वैसे मानसून धीरे धीरे भारतीय सीमा के भीतर फैल रहा है। भारत पूर्व इलाकों के कुछ हिस्सों तक मानसून पहुंच गया है, वहीं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के हिस्सों में मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं केरल में मानसून अब अपना असर दिखाने लगा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहा और कर्नाटक से बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बदलते मानसून के से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारत के तटीय इलाकों में मानसून दस्तक दे चुका है। मानसून के आने से यहां नदियां उफान पर है। कई जगहों पर बारिश शुरू हुई है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मानसून धीरे धीरे भारत के भीतर फैल रहा है। भारत के दक्षिण मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों तक मानसून पहुंच गया है। आपको बता दें, भारत में सबसे ज्यादा मानसून मासिनराम मेघालय में होता है। वहीं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती हैं। माना जाता है कि मानसून भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र सबसे पहले आने की संभावना होती है, खासकर के केरल राज्य में। मानसून केरल में अपना जलवा अधिक दिखाता है। भारत में मानसून कई बार हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो भारत तथा आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है।